नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट प्रवेश ईयर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है मैथ्स से संबंधित है। और यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको कि ये लेवल फर्स्ट के लिए है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। और यहाँ पर सीटेट मैथ्स के प्रवेश ईयर क्वेश्चन जो कि 2011 से लेकर करके 18-19 तक के क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं, और के दो पार्ट पहले हम बना चुके हैं। और यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा, और इनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि किस प्रकार के प्रश्न जो है सीटेट एग्जाम में मैथ्स के अंदर पूछ सकते हैं। और बहुत जल्दी हम पेपर सेकंड के लिए भी मैथ्स के क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, जहाँ पर हम कंटिन्यू चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर प्लस न्यू क्वेश्चन शामिल करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइलों से उसको पूर्णतः ढकना है, और यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 4 विकल्प भी आपके सामने हैं। और आप देखिए मैथ्स के प्रश्न देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टाइम को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इनमें टाइम को लगता है, मैथ्स को हमें टाइम को देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपनी कॉपी में हल करके अपना उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं, और या आप यहाँ पर सीधे इनको देख भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न जब आता है तो हमें इसमें दो बातें मिल रही है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है 10 मीटर लंबाई है, और इसी के साथ साथ इसे हमें ढकना है 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले टाइल्स से। तो टाइल्स की संख्या कितनी होगी ये हमें इसमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मान लेते हैं कि एक वर्गाकार कमरा है, और यहाँ पर जो वर्गाकार कमरा है इसकी जो एक भुजा है वो 10 मीटर में हमें दे रखी है। तो देखिए मीटर में दे रखी है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ इस कमरे का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब देखिए मीटर जो है 10 मीटर, तो पहले तो हम यहाँ पर 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम टाइल्स देख रहे हैं तो टाइल्स की जो माप है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो दोनों की माप जब सेम होगी तो हमें भाग लगाने में आसानी होगी, और यदि दोनों की माप अलग अलग होगी तो हम बाद में भी उसमें गुणा कर सकते हैं, तो हम यहीं पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो हमने 10 मीटर था इसे हम चाहे 10 मीटर लिखें या 1000 इसे सेंटीमीटर लिखें, तो 10 मीटर या 1000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जो कमरा है ये वर्ग के रूप में है, तो यहाँ पर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणित भुजा। तो देखिए उसकी एक भुजा जो है वो कितने की है, तो ये 1000 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर हम इसके लिए 1000 गुणित 1000, ये हमारे कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इस साइड हम बात कर लेते हैं टाइल्स की, तो टाइल्स जो है उसकी एक भुजा जो है वो 50 सेंटीमीटर की हमें दे रखी है, तो 50 सेंटीमीटर की ये है, तो इस टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, तो टाइल्स भी वर्ग के रूप में है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 50 गुणित 50, तो ये चाहे तो हम इस रूप में लिख लें या फिर इस रूप में लिख लें। और एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा उससे हमें कमरे के क्षेत्रफल को भाग लगा देना है, तो हमें टाइल्स की संख्या निकल के आ जाइए। अब चलिए यहाँ साइड में हम इसमें भाग लगा देते हैं, तो देखिए कमरे का जो क्षेत्रफल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1000 गुणित 1000, अभी गुणा नहीं किया है सिर्फ लिख दिया है, ये हमारा कमरे का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो हम टाइल्स का क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये टाइल्स का क्षेत्रफल है, और ये है 50 गुणित 50। अब आप गुणा करें या सीधे ऐसे इनको क्रॉस कर दें आपस में जो कट जाए उससे, तो देखिए 1 0 से इसका 1 0 क्रॉस कर देते हैं, और यहाँ पर इसके 1 0 से इसका 1 0, और इस 5 से इस 100 को क्रॉस करते हैं तो ये 20, और इस 5 से 100 को क्रॉस करेंगे 20, और 20 गुणित जब हम 20 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 420।
400। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर उत्तर। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन जो है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, 2 किलो 600 ग्राम में यहाँ पर लिख रहा हूं और ये 600 ग्राम, तथा कुछ सेबों का भार जो है 1 किलो 450 ग्राम है। तो ये यहाँ पर आम का भार है और नीचे यहाँ पर मैं सेब का भार लिख रहा हूं। तो सेब का भार है 1 और 450 ग्राम। तो आमों का भार सेब के भार से कितना अधिक है, आम का भार सेब के भार से कितना ज्यादा है? तो देखिए, सेब की जो मात्रा है वो 1 किलो 450 ग्राम है, आम की जो है 2 किलो 600 ग्राम है। तो इनमें अंतर कितना का है वो हमें निकालना है। तो सीधे यहाँ पर हम इसमें माइनस कर देंगे। तो जब इसमें माइनस करेंगे तो ये 0, ये 5 और ये 1, तो ये 150 ग्राम हो गया। और दो में से एक बताएंगे तो 1 किलो 150 ग्राम ये हमारा उत्तर जाएगा। और ये दिया है यहाँ पर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सीधे यहीं पर विकल्प देख करके हल कर सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीटेट के अंदर, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। और आप सीटेट यदि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप थोड़ी सी तैयारी कीजिए, बाकी इसमें डरने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आप हल कर लेंगे। देखिए, एक दुकान में 239 खिलौने हैं और 70 और खिलौने लाए गए और इनमें से 152 खिलौने जो है ये बिक गए। तो बचे हुए खिलौनों की संख्या है। अब यहाँ पर हमें कोई हल नहीं करना है। चार विकल्पों को आप देखिए, दुकान के अंदर ऑप्शन सी को आप थोड़ा सा समझिए, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, 239 खिलौने थे, 70 खिलौने और लाए गए, मतलब प्लस उसने 70 कर दिया और फिर उसमें से 152 खिलौने बिक गए, तो माइनस 152। अब बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या होगी? तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बचे हुए खिलौनों की संख्या आ जाएगी, और वो संख्या हमसे यहाँ पर पूछी नहीं है। सिर्फ इस प्रकार पूछ लिया है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ कहाँ घटाव करेंगे, ये प्रश्न हमारी योग्यता को देखना चाहता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक पेंसिल का मूल्य 2 सही 1/2 रुपए। अब 2 सही 1/2 को हम 2 × 4 = 5/2 भी लिख सकते हैं। अब अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। अब बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल है। आप सीधे सीधे प्रश्न को पढ़ते जाएं और दिमाग में इसको हल करते जाएं। तो जब तक आप प्रश्न पढ़ेंगे तब तक आप उत्तर निकाल लेंगे। देखिए, थोड़ी सी मैं यहाँ पहली लाइन की बात करूं तो 2 सही 1/2 एक पेंसिल का मूल्य है। अब 2 सही 1/2 को मैं यदि यहाँ कन्वर्ट करता हूँ तो ये 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5 रुपए। ये समझ गया, ये 2.5 रुपए। अब मैं आपको यहाँ इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, जब आप प्रश्न को पढ़ें एग्जाम में या कहीं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आप तुरंत ही जैसे आपने फर्स्ट लाइन को पढ़ा और उसी का कैलकुलेशन दिमाग में कर लिया, फिर आप आगे बढ़े। तो यहाँ आपके लिए क्लियर हो गया कि एक पेंसिल का मूल्य कितना हुआ, 2.5 रुपए। चलिए, अब अमित 1.5 दर्जन, तो अब 1.5 दर्जन का मतलब क्या होता है? तो 1.5 दर्जन को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 12 का 1 दर्जन होता है और 12 का आधा 6 होता है, तो कुल मिलाकर के 18 यहाँ पर 1.5 दर्जन है और पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को वो 100 रुपए देता है। तो अब देखिए, 18 पेंसिल है तो यहाँ पर 2.50 × 18 मतलब 18 पेंसिल, एक पेंसिल 2.5 रुपए की, तो 18 पेंसिल कितने की होंगी? तो आप इनका गुणा करके निकाल सकते हैं। और या सीधे सीधे आप एक काम करें, जैसे मैं अपने स्तर से करता हूँ, 18 आप मान लीजिए कि एक पेंसिल जो है वो थोड़ी देर के लिए मान लें कि 2 रुपए की, तो 18 पेंसिल कितने की हो जाती है, 36 रुपए की। और फिर यहाँ 50 50 पैसे हैं, तो आप इन 50 पैसे को 18
बार गुणा करेंगे, 18.50 पैसे हैं ये, तो इनसे कितने रुपए बनेंगे, 9 रुपए, तो ये कितने हो गए, 45, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 45, ये आपका गुणा हो गया। अब मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि मेरा गुणा सारा कुछ समझ में ना आया, मैं सीधे यहाँ पर इसको राउंड फिगर में 2.50 ना मान करके 2 रुपए मान लिए, और 2 का 18 में गुणा किया 36 रुपए, और फिर 50 पैसे जो थे तो ये 18 सिक्के हैं 50 पैसे के हमारे पास, तो इनसे 9 रुपए बन जाएंगे, 9 रुपए 36 में जोड़ दिया, ये हुआ 45। अब यहाँ पर दुकानदार को उसने दिए हैं 100 रुपए, तो 100 रुपए में से अब उसको दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा, तो जब इनसे 45 वो काट लेगा तो फिर यहाँ पर कितने बचेंगे, 5 और 5, 55 रुपए बचेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, अब आप इसका उत्तर दें अपने हिसाब से। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है, वही 2 सही 1/2 है, ये भी लिखा जा सकता है, या 2.5 रुपए लिख दिया या 5/2 लिख दे। अब हमें 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा ये बताना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही 2.5 यानी कि 2.5 रुपए, और 3.5 दर्जन है, तो 3.5 दर्जन के लिए 3 दर्जन का मतलब हो जाएगा 36, 1 दर्जन मतलब 12, 3 दर्जन मतलब 36, और साथ ही साथ आधा दर्जन वो, तो फिर इसमें हम 6 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 42 संतरों का मूल्य हमें निकालना है, और एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपए है। अब इसका गुणा आपको इसमें कर लेना है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो फिर वही मैं मेरा तरीका अपनाता हूँ। देखिए 42 का आप सिंपल सा गुणा कर सकते हैं 2 के अंदर, पहले 2 के अंदर कर लेते हैं, तो 42 का दुगुना कर दीजिए, तो ये 4 और ये 8, 84 रुपए हो गए, और फिर आपके पास में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 42, इनसे कितने रुपए बनेंगे, 21, तो आप 21 को जोड़ लीजिए, 4 1 5 8 2 10 हो गया 105, तो इन दोनों का गुणा जो आएगा वो निकल के आ जाएगा 105 रुपए। अब यहाँ पर ये हमें दिया है ऑप्शन डी में ये, तो ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे, ऑप्शन डी हमारा उत्तर हुआ। चलिए अगला बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप सीटेट एग्जाम में कब किस वर्ष पूछा गया है ये आप देख सकते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इन चीजों को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग। अब देखिए एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग, और अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक चॉकलेट है, इसके 12 भाग है, ये संख्या हमने लिख दी 12। अब मंजू ने इसका 1/4 भाग दिया अंजू को, अब 12 का 1/4 मतलब कि कितना हुआ, तो आप 12 × 1/4 लिखें, 12 का ये 1/4 हो जाएगा, 4 से 12 को क्रॉस करेंगे, 4 × 3 = 12 मतलब कि 3, और 3 दिया गया है किसे, अंजू को, तो यहाँ पर अंजू को ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़े प्रश्न में, इसका 1/3 भाग दिया गया है सुजाता को, अब यहाँ पर 12 का 1/3 मतलब 1/3, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4, और 4 किसे मिला है, सुजाता को, है ना, तो ये मिला है सुजाता को, और इसका 1/6 मतलब कि 1/6 भाग मिला है फिजा को, तो 12 का 1/6 कितना होगा, 2, मतलब 2 हिस्से 2 पार्ट ये मिले हैं फिजा को, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मंजू के पास अब क्या बचा, तो मंजू के पास क्या बचा ये हमें निकालना है, तो देखिए इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 4 × 7 = 9, 9 हिस्से टोटल यहां से यहां तक हम देख सकते हैं कि इनको बट चुके हैं, तो 9 बट गए, अब बचे कितने, 3, क्योंकि तो टोटल कितने थे, 12 हिस्से 12 भाग, तो मंजू को कितने मिलेंगे, यहाँ पर मंजू को मिलेंगे 3, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, एक बोतल में 750 ml जूस आ रहा है। देखिए एक बोतल के अंदर आ रहा है 750 ml। अब ऐसे छह बोतलों को पैक किया जाता है तो एक बोतल में इतना आता है तो छह बोतल में कितना आएगा, तो हम छह बोतल के साथ इसका गुणा कर देंगे। तो देखिए सिंपल सा गुणा है, तो मैं जीरो का पहले जीरो लगा देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। आप छह का ही सीधा इसमें गुणा कर दीजिए तो छह पंजे 30 और हासिल आए 3 और 6 7 42 और 3 45। अब देखिए ये ml में है तो ये भी ml में ही निकला है। अब छह बोतलों को एक बर्तन में पैक किया जाता है, पैक किया जाता है तो छह बोतलों को जब बर्तन में पैक कर दिया मतलब उस बर्तन में कितना जो जूस है वो भरा गया है 4500 ml, या इसे हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 4.5 लीटर मतलब 4.5 लीटर। अब हमें 450, आगे प्रश्न देखिए, 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टून की संख्या है, तो एक कार्टून एक बर्तन में कितना जूस भरा गया है 4.5 लीटर या 4.5 लीटर कह सकते हैं। तो हमें लगभग 450 लीटर जूस को पैक करने के लिए कितने बर्तन की आवश्यकता होगी, तो एक बर्तन के अंदर इतना आता है तो 450 के लिए कितने बर्तन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर दशमलव हटा देते हैं। अब देखिए मैं दशमलव इस प्रकार से हटा देता हूँ, दशमलव हटा करके और ऊपर जीरो बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद आप एक अंक देखेंगे 5 है केवल, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया तो अब ये हमारे लिए बन गया 4500 लीटर और नीचे हो गया 45 लीटर। अब 45 से आप 45 को क्रॉस कर दीजिए, एक बचेगा और उसके पीछे दो जीरो शेष रह जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 100 ये बर्तनों की आवश्यकता होगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 हो जाता है। अब देखिए ताजा मछली है उसको सुखाया तो उसको सूखने पर उसका जो भार होता है ना वो 1/3 हो जाता है, मतलब मछली मान लीजिए 3 किलो की है तो सूखने पर वो सिर्फ 1 किलो की हो जाएगी। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद करके उनको सुखा करके 80 प्रति किलो के भाव से बेच देती है, तो इस प्रकार से वो कमाती है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये प्रश्न जो है ना आप एनसीईआरटी जो मैथ्स है ना कक्षा 5 का उसमें आप देख सकते हैं, इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे आपको। तो आप प्राइमरी की तैयारी करें ना तो वहां की गणित भी आप कंप्लीट कर लीजिए, उनसे आपको सब प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखो, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि सुनीता ने कितना खर्च किया और फिर कितना बेचा। तो देखिए उसने 1500 किलो ताजा मछली खरीदी है, तो 1500 किलो ताजा मछली उसने 25 के भाव से खरीदी है, तो यहाँ पर हम इसका गुणा करके 2 जीरो के 2 जीरो और ये 25 5 125 का 5 हासिल है 12 और 25 एकम 25 और 12 37, तो 37,500 रुपए की उसने मछली खरीदी है। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब मछली कितने किलो है, 25 किलो भाव से उसने ताजा मछली खरीदी। अब जब वो उस मछली को बेचेगी यहाँ पर तो बेचेगी कितने में, ये हमें देखना है। अब देखिए जो 1500 किलो मछली है वो मछली कितने किलो हो जाएगी सूखने पर, तो देखिए हमने देखा कि मछली का भार जो है ना सूखने पर 1/3 हो जाता है यहाँ पर, तो 1/3 तो मतलब कि यहाँ पर 1500 किलो मछली उसने खरीदी थी
तो इसका 1/3 कितना होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं 500। तो मतलब 1500 किलो मछली की कुल मछली कितनी बचेगी अब शेष, 500 केजी। और फिर वो 500 किलो को बेचेगी 80 के भाव से, 80 रुपए किलो के भाव से। तो फिर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा जो बेचेगी, वो कीमत कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 और 40, देखिए 40,000 रुपए की वो मछली बेचेगी, जबकि उसने खरीदी थी कितने की, 37,500 की। 1500 किलो खरीदी, 25 के भाव से खरीदी, और सुखाने के बाद 80 के भाव से बेच दी, और 500 किलो मछली उसने बेची। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से वो कमाती है, तो उसने कितने रुपए कमाए, तो सिंपल सा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका क्रय मूल्य क्या था और विक्रय मूल्य क्या, दोनों का अंतर जो है वही है। उसने कमाया तो उसने 40,000 रुपए में से हम 37,500 को घटा देते हैं, ये 0, ये 0, ये 5, 2500 रुपए। तो 2500 रुपए जो है उसने कमा लिए। तो ये कौन से विकल्प में दिया है, और ये दिया है यहाँ पर हमें ऑप्शन बी में, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में हमें ये दिया हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। तो अच्छा प्रश्न है, पिज्जा चॉकलेट से संबंधित क्वेश्चन जो है सीटेट के अंदर देखने को अपने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पिज्जा है और पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बराबर बच्चों में बांट दिया गया है, इनमें से प्रत्येक बच्चे को कितना, बच्चे को पिज्जे का कितना भाग मिला, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि पिज्जा जो था वो 1 था पहले, और उसके भाग जो है वो हम निकाल दिया। अब इस 1 भाग में से यहाँ पर रेनू ने 1/4 खा लिया, मतलब कि इसमें से हम 1/4 कम कर देते हैं। अब 1/4 का मतलब समझ सकते हो, तो यहाँ पर कहने का मतलब मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये बराबर गोल नहीं आ रहा है, तो ये मान लीजिए आप ये, तो ये 1 पिज्जा है। अब 1/4 का मतलब हुआ कि 25% पिज्जा उसने खा लिया, ये किसने, रेनो ने। अब शेष कितना बच रहा है, ये बच रहा है। अब इसे 12 बच्चों में बांटा जा रहा है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा ये हमें इसमें बताना। देखिए 1 था और 1 में से जितना उसने खा लिया वो हम घटा रहे हैं, तो बाकी का जो शेष बचेगा, अब शेष यहाँ पर आपको, चलिए इसी चित्र से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए 1 में से हम 1/4 को कम करेंगे, तो या तो आप इसे हल करके निकाल सकते हैं कि इसका एलसीएम जो है ये 4 आएगा, और इसी के साथ में 1/1 मान लें, या तो हम इसका एलसीएम निकाल करके हल कर सकते हैं, ये हमने एलसीएम ले लिया 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3/4। कहने का मतलब है कि जब हम इसे इस प्रकार से निकालेंगे तो भी हमारा उत्तर यही आएगा 3/4। और आप सीधे सीधे ऐसे भी चित्र के माध्यम से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, वहां पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। 1 पिज्जा था तो उसमें से ये भाग उसने खा लिया, शेष कितना होता है 1, 2, 3 हैं, कि ये 1/4 भाग जब हम इसमें से कम कर रहे हैं तो बाकी का कितना बच रहा है, 3/4। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो 3/4 जो है इसे 12 बच्चों में बांटा जा रहा है, है ना, तो इसे 12 बच्चों में बांटा जा रहा है, तो 12 बच्चों के अंदर हम इसे बांटेंगे, तो 3/4 को जब हम 3/4 को 12 से भाग लगाएंगे तो ये 12/1 मान लेंगे, और 3 और 1 का गुणा हो जाएगा 4 और 12 का हो जाएगा। इस प्रकार से 3×1/4×12, 3 से हम 12 को क्रॉस कर सकते हैं 4, और ये हो जाएगा 1/16। तो यहाँ पर उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन ए, 1/16। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक संतरे का मूल्य 5.50 रुपए, मतलब वही 5.50 रुपए का एक संतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए, 80 रुपए किलो सेब है, तो 1.5 दर्जन संतरे, देखिए संतरे कितने लेना है, 1.5 दर्जन, ध्यान रखिएगा। अब 1.5 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा, तो वही 18, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, 1.5 दर्जन का मतलब 18 होता है। और एक और आगे बढ़ते हैं, 1 और 3/4, तो 1 और 3/4 का मतलब हुआ ये, किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब इस प्रकार से आपने प्रश्न को बना लिया, तो देखिए वही तरीका कि 5 रुपए का एक संतरा है, 5.50 रुपए का, तो 18 संतरे कितने के हुए ये आप निकाल लें, तो 18 का आप इसमें सीधा गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 18 का 5 में गुणा करेंगे तो बनेगा 90, और फिर आपके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 18, तो बन जाएंगे 9 रुपए, तो कुल मिलाकर के 99 रुपए के तो बने संतरे। अब आप अपने तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, मैं इस प्रकार से कर लेता हूँ। चलिए अब आगे, 1/4 हमें सेब, अब 1 किलो और 3/4, तो 1 किलो का तो हो गया यहाँ पर 80 रुपए, और प्लस में 80 का ही 3/4 कर देते हैं, क्योंकि पैसे भी उसी हिसाब से लगेंगे, तो यहाँ पर 80 का 3/4 ये हो जाएगा, 4 सौ इसको काटेंगे, 60, और 60 और 80 तो ये हो जाएंगे 140 रुपए, और ये हो जाएंगे 99 रुपए, और इनका हमें एक साथ योग करके मूल्य बताना है। तो जब इनका हम एक साथ मूल्य करके बताएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 140 प्लस 99, 9, 4, 13, और हासिल 1, और ये 2, ये आ गया 239 रुपए। देखिए मैंने जो किलोग्राम था, तो किलोग्राम जैसे 1 किलो होता तो उसके भी 80 रुपए लगते, तो 3/4 का 80 का सीधा ये उसको 1 किलो मान करके उसका 3/4 बना दिया है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से मैंने इसको निकाल लिया। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा ना, वो बनेगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये फिर बहुत अच्छा प्रश्न है, उसी प्रकार का प्रश्न जिसे पहले हम कर चुके हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं, देखिए मैं हल करता रहता हूँ, प्रश्न पढ़ता रहता हूँ। सोनू के पास कितने दर्जन है, 5 दर्जन, तो 5 दर्जन में कितनी टाफियां बनेगी, 1 दर्जन में होती है 12, तो 5 दर्जन में हो जाएंगी 60, तो कितनी टाफियां हो गई 60। अब इसका 1/3 भाग अमिता, तो 60 का 1/3 = 20 हो गया। अब 20 किसको मिला, अमिता को मिला है ना। फिर इसी के साथ में 2/5 को 2/5 भाग, तो ये काटा हमने से 12 और ये बनाया 24, और 24 मिला है ये अनिल को, और इसी का 1/12 भाग मिला हमीदा को, तो 60 का 1/12 मतलब कि 5 ये मिला है हमीदा को, है ना, तो ये हमीदा को मिला। अब सोनू के पास की बची हुई टाफियां कितनी है, तो आप पहले इनको जोड़ लीजिएगा, 24, 20, 40, 44 और ये हो जाएंगे 50, तो इतनी तो हो गई। अब 60 उसके पास टोटल थी, तो 60 से 50 को माइनस कर देते हैं, कितनी बच रही है, 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1, 11 बज रही है,
तो उसके पास सेस कितनी बची, 11। और ये कौन से विकल्प में दिया है, ये दिया हमें बी विकल्प के अंदर। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, सिंपल सा प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर हमें देखना है कि कुल इतने किलोग्राम चीनी है और इससे हमें इतने किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट जो है ये यहां पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तीन सही 1/4, तो तीन सही 1/4 को हम यहाँ पर थोड़ा सा बदल लेते हैं एक भिन्न के रूप में, ये मिश्र भिन्न है तो इसे भिन्न में बदलेंगे। तो तीन सही 1/4 का मतलब 4 × 3 = 12 और +1 = 13/4 किलोग्राम चीनी है। अब हमें इसे 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो सिंपल सा हम 13/4 किलोग्राम में 1/16 किलोग्राम का भाग दे देंगे। तो ये और ये गुणा कर लें, भाग लगा रहे हैं पर भाग में भी गुणा हो जाता है जो 4/4 हमारे सामने होते हैं। तो 13 × 16 और 4 × 1 = 16 और 13 × 52, तो 52 पैकेट जो है ये बनाए जा सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा 52 पैकेट, ये हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर आज के हमारे मैथ से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो ये पार्ट है ये समाप्त होता है। और यहाँ पर पार्ट आपको किस प्रकार से लगा कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। और आपने हमें जितना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए किसी वीडियो के साथ।